जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे। आज वैलेंटाइंस डे है और जो जज्बा प्रेमियों में होता है, काश हमारे राजनेताओं के बीच भी होता प्यार का जज्बा, ताकि कड़वाहट कम हो, मगर फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं, वो बहुत दिलचस्प विषय है। दरअसल वो एक रहस्य है। वो रहस्य है द मिस्ट्री ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा। रहस्य जिसका नाम प्रियंका है, या ये कहा जाए प्रियंका फैक्टर। हर किसी के जहन में सवाल है कि रोड शो करने के बाद कांग्रेस के जो चांसेस हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी सपा और बसपा को नुकसान पहुंचाएगी या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा कांग्रेस कार्यकर्ता में आ गई है, मगर आपको गौर करना होगा कि राहुल गांधी ने उस रोड शो के बाद क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा, देखिए लोकसभा तो ठीक है, मगर हमारा मकसद या हमारा निशाना या प्रियंका की मौजूदगी कहीं ना कहीं 2022 के मद्देनजर रखी गई है। यानी कि जब साल 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस दौरान कांग्रेस में इतनी जान फूकी जाए कि कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सपा और बसपा के गठबंधन को सीधी चुनौती नहीं देना चाहती। रही बात प्रियंका की, तो आपने गौर किया होगा अखिलेश यादव ने तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। खुद मायावती, जो बार बार कांग्रेस पर हमला करती रहती हैं, उन्होंने भी प्रियंका गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था द मिस्ट्री ऑफ द प्रियंका फैक्टर। प्रियंका का अर्थ क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, जो बातचीत मेरी पार्टी के थिंक टैंक से हो रही है, वो प्रियंका की मौजूदगी दो स्तरों पर देख रहे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वोट बैंक पर निशाना, जिनका एक बहुत जबरदस्त वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरा महिलाएं। क्योंकि अमेठी में जितना काम किया था प्रियंका गांधी ने, उनके आसपास महिलाएं थी, उनकी सियासत के इर्द गिर्द महिलाएं घूमती रहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये दो फैक्टर्स हैं जिसके जरिए प्रियंका जो है अपनी सियासत को आगे करेंगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कई मुद्दों पर सेम पेज पर हैं, सेम पन्ने पर हैं। मसलन दोनों ये मानते हैं कि संगठन को ताकतवर बनाया जाए और उसे और मजबूत किया जाए, उसमें किस तरह से ऊर्जा भरी जाए, किस तरह से उसमें डायनामिज्म पैदा किया जाए, इस मुद्दे को लेकर दोनों ही जिस कह सकते हैं सेम पन्ने पर है। यही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें शक्ति का प्रतीक बता रहे हैं, और जब वो उन्हें शक्ति का प्रतीक बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जहन में इस प्रधानमंत्री का चेहरा उभर कर आता है, मरहूम इंदिरा गांधी। और बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ता उस जमाने की ओर हमें ले चलने की कोशिश करते हैं और दोनों में तुलना करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक, ब्राह्मणों को जो है निशाना, और महिलाओं को साधना। हालांकि इस रोड शो में जो बहुत बड़ी कमी रह गई वो ये कि राहुल गांधी ने सुष्मिता देव, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी महिलाओं को साधने के लिए रोड शो में, राहुल गांधी ने कहा था, भाई मैं यूथ को तो मैं देख रहा हूं मगर महिलाएं कहां हैं। तो उस लिहाज से ये रोड शो जो है वो कुछ हद तक असफल साबित हुआ, क्योंकि महिलाएं बड़ी तादाद में वहां मौजूद नहीं थीं। देखिए, आपको याद रखना होगा ये दो शख्सियतें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, 2014 में जब प्रधानमंत्री जीते थे, और गुजरात में भी जो उनकी सफलता रही है उसके पीछे महिलाओं का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, बहुत बड़ा किरदार रहा है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी क्या कहा जा रहा था कि अगर महिलाएं बाहर आईं, उन्होंने वोट किया, तो वो मामा के पक्ष में वोट करेंगे, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में। वैसा शायद हो नहीं पाया और यही वजह है कि आज वो सत्ता में मौजूद नहीं है।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी न सिर्फ ब्राह्मणों का जो वोट है उस पर निशाना साधना चाहेगी कांग्रेस, बल्कि महिलाओं पर भी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका मतलब समझती है। मगर अब प्रियंका गांधी के सामने दो कड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, आपने देखा होगा, चाहे प्रवर्तन निदेशालय के सामने जब रॉबर्ट वाड्रा हाजिर हुए थे, या उसके बाद जयपुर जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, दोनों ही सूरतों में प्रियंका उनके साथ मौजूद थी। यानी कि उन्होंने अपना रोड शो जो है खत्म किया, और रोड शो खत्म करने के बाद वो जयपुर गई। क्यों? क्योंकि उनके पति की हाजिरी थी। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने भी रॉबर्ट वाड्रा की हाजिरी थी, तब भी प्रियंका वहां मौजूद थी। ऐसा क्यों थी? क्योंकि देखिए, ये इसका नुकसान हो सकता है, जो इस वक्त कमजोर नब्ज दिखाई देती है प्रियंका गांधी की या कांग्रेस की, वो है रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, ऑपरेशन दामाद जी के नाम पर, और दामाद जी के नाम पर बीजेपी ने बहुत वोट बटोरा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी दरअसल यही है कि चूंकि अब चुनाव पास आ रहे हैं, लिहाजा दिखाना है कि कुछ करना है, लिहाजा अब उनसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पूछताछ कर रही है। मगर आम जनता के बीच रॉबर्ट वाड्रा प्रतीक हैं, जिस तरह से एक व्यक्ति जो एक राजनीतिक परिवार के करीब है, उस निकटता के चलते जिस तरह से उसने सिस्टम का बेजा इस्तेमाल किया। प्रियंका गांधी की एक बार और कही जाती है उनके बारे में कि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, फियर्सली प्रोटेक्टिव हैं, और यही वजह है कि वो अपनी राजनीति और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखती हैं। मगर सियासत ऐसे नहीं चलती। अगर एक तरफ आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं अपने पति के साथ उसके हर लम्हे में, हर सही गलत, मुश्किल आसान लम्हे में साथ हूं, मगर दूसरी तरफ अगर इस पर सियासत होगी तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस के सामने ये कहा जाए, प्रियंका गांधी के जरिए जिस तरह से वो खुद को री इन्वेंट कर रही है उत्तर प्रदेश में, उसका एक और नुकसान है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू, खुद राहुल गांधी मौजूद थे, इस मीटिंग में सूत्रों के हवाले से जो बात पता चली है कि फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सपा और बसपा गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि आपकी वजह से मुसलमान वोट जो है वो बट सकता है। और आप जानते हैं बड़ी खबर क्या है इस मीटिंग से? राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार भी किया। राहुल गांधी अब भी सोच रहे हैं कि इस महागठबंधन में उन्हें जगह मिल जाए, मगर जब वो जगह की बात करते हैं तो वो कम से कम 10 सीटों की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, गांधी परिवार के जो आसपास के लोग हैं ना, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये जो तमाम लोग हैं, वो चाहते हैं कि जहां से वो चुनाव लड़ें उन्हें वहां से कोई चुनौती पेश ना आए। तो कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती हैं, जिसके मूड में अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव फिर भी थोड़े नर्म हैं, मायावती बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं, क्योंकि मायावती जानती हैं कि 2019 में अगर बीएसपी 30 के आंकड़े को उत्तर प्रदेश के अंदर पार करता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी बहुत मजबूत होगी, वो एक कंसेंसस कैंडिडेट बन सकते हैं। मायावती बन सकती हैं कंसेंसस कैंडिडेट, इस बात का उन्हें आभास है। तो देखिए, एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने एक तरह से ऊर्जा भरी है पार्टी के अंदर, वहीं दूसरी तरफ यह धर्म संकट भी है, वाड्रा फैक्टर, और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस सपा और बसपा गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि फिलहाल तो यह मान के चला जा रहा है कि उनका निशाना ब्राह्मण वोट बैंक पे है, फॉरवर्ड कास्ट वुमेन पर है, महिलाओं पर है, लिहाजा उसके जरिए बीजेपी को ही नुकसान होगा। मगर सियासत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कोई भी चीज पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते हैं, लिहाजा यह बहुत ही दिलचस्प सियासत होने वाली है और हम सबको इंतजार करना होगा। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बोल किला आजाद में तेरे, आपको याद होगा हमने आपको एक शो दिखाया था संबित पात्रा के पर कतरे। मुझे एक और बहुत दिलचस्प घटना का पता चला है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। संसद भवन में
10 या 12 कैमरेमैन ने अमित शाह को घेर लिया। तो अमित शाह ने उनसे कहा कि देखिए मैं साउंड बाइट नहीं दूंगा, मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगा। तो कैमरेमैन ने कहा, अमित जी हमें आपकी साउंड बाइट चाहिए भी नहीं, हम आपके सामने एक शिकायत लेकर आए हैं। दरअसल हुआ क्या था, कुछ दिनों पहले गौरव भाटिया ने कैमरेमैन के साथ बदतमीजी की थी, तो उन्होंने शिकायत की गौरव भाटिया की, और साथ साथ बाकी कैमरेमैन ने कहा कि आपके जो सारे प्रवक्ता है ना, ये सभी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। और उन्होंने संबित पात्रा का नाम भी लिया। आपको याद होगा उस शो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अरुण जेटली संबित पात्रा से बहुत नाराज थे, कि संबित पात्रा जो है, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का गोत्र का मुद्दा उठाया, जिस तरह से वो टीवी डिबेट्स में नाटकीय अंदाज में अपनी बात रखते हैं, याद है आपको उनकी वो डिबेट्स? आरती करवाएंगे मौलाना, बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। अब तो मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, बंद कीजिए, मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो। तो जिस तरह से संबित पात्रा नाटकीय अंदाज में अपनी बात रखते हैं, इन तमाम चीजों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को परसेप्शन के खेल में हो रहा था। यह कहा जाता था कि संबित पात्रा जितनी बार टीवी पर आते थे उतने 10-12 हजार वोट जो हैं बीजेपी के कम हो जाते थे। तो जब ये सारे कैमरामैन गए तो अमित शाह एकदम हिल से गए। उन्हें अचानक भूपेंद्र यादव और मीडिया सेल के प्रभारी अनिल बलूनी को बुलाया और कहा, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों शिकायत कर रहे हैं हमारे प्रवक्ताओं के खिलाफ? तब कैमरामैन ने कहा, आप अनिल बलूनी को क्या कह रहे हैं, इन्हें भी बात करने का सलीका नहीं आता है। उसके बाद अमित शाह ने बैठक बुलाई तमाम प्रवक्ताओं की और प्रवक्ताओं को लताड़ लगाई, और यही वजह है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि संबित पात्रा के अंदाजे बयां पूरी तरह से बदल गए हैं। मैं आपसे प्रियंका फैक्टर की बात कर रहा था, मगर चूंकि बोल के लब आजाद है तेरे में, हमने आपको बताया था कि किस तरह से संबित पात्रा के पर कतरे गए, वो भाग वन था। आज मैंने आपको उसका सेकंड पार्ट बताया कि किस तरह से अमित शाह ने लताड़ लगाई संबित पात्रा और बाकी प्रवक्ताओं को, कि जरा सलीके से रहिए, सलीके से बर्ताव कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अहंकार है पार्टी के अंदर वो उनके प्रवक्ताओं के जरिए सामने उभर कर आ रहा था। हालांकि मेरा यह मानना है कि अमित शाह भी इस अहंकार के इल्जाम से बच नहीं सकते। तो बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बोल के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब। नमस्कार।